जय शिव शंभू। आज की हमारी चर्चा का विषय है बुद्ध के अष्टांग मार्ग। गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग दिए ध्यान के लिए, शांति के लिए, सफलता के लिए। आज हम उन्हीं अष्टांग मार्ग जो 8 टाइप्स उन्होंने बताए हैं जीवन को कैसे व्यतीत करना, जीवन तो सभी व्यतीत करते हैं लेकिन एक अच्छे जीवन को, आज उन्हीं पे हम कुछ चर्चा करेंगे। तो जो बुद्ध का पहला अष्टांग मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि। पहले सम्यक के हम जो अर्थ है वो मैं आपको समझा दूँ। सम्यक का अर्थ होता है जो उचित हो, जो ठीक हो, जो सही हो। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि से तात्पर्य है जो व्यक्ति वस्तु जैसी है उसको ऐसे ही देखना, न कि और किसी अन्य भाव से देखना। यदि हमारी सम्यक दृष्टि है वस्तुओं के प्रति, व्यक्ति के प्रति, तो कभी भी जीवन में उपद्रव नहीं होंगे। कभी भी कोई ईर्ष्या द्वेष, कोई लालच, कोई मोह या फिर कोई वासना हमें नहीं पकड़ेगी, अगर हमने सम्यक दृष्टि से चीजों को देखा। लेकिन यहीं पे हमारी चूक हो जाती है। हम चीजों को एक गलत नजरिए से देखते हैं। तो सभी के प्रति एक करुणा, एक प्रेम वाला भाव रखना अपने अंदर और उसी दृष्टि से देखना, न कि किसी जाति और धर्म या फिर समुदाय वाली दृष्टि से देखना। किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो सी, ही इज अ डिवाइन सोल, वो एक डिवाइन सोल है, वो भी उस परमात्मा का एक अंश है। जब आपकी ऐसी दृष्टि हो जाती है तो फिर सारे भेदभाव मिट जाएंगे। और जो लिंग के प्रति भेदभाव है, सेक्स के प्रति भेदभाव है, वो भी मिट सकता है। उसका भी एक सम्यक दृष्टि यदि रखा जाए विमेन के प्रति, विमेन मैन के प्रति, तो फिर कोई उपद्रव पैदा नहीं होगा। और यदि किसी विमेन को देख के या किसी विमेन को, पुरुष को, मैन को देख के कोई भाव उत्पन्न, कोई नेगेटिव फीलिंग्स या फिर कामुकता ज़्यादा बढ़ती है, तो उसको अपनी दृष्टि में कुछ ऐसा डाल लेना चाहिए कि सामने वाला या सामने वाली जो मेरे सामने है वो एक डिवाइन सोल है, एक बॉडी है बस, स्त्री पुरुष, लेकिन उससे थोड़ा हट के देखो, एक डिवाइन सोल एक आत्मा रूप में है। जब ये भाव रखोगे तो अंदर जो तुम्हें, जो एक वासना है जो तुम्हें पकड़ती है, उससे कहीं ना कहीं तुम छुटकारा पाना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि। सेकंड जो अष्टांग मार्ग है, सेकंड पे आता है सम्यक संकल्प। संकल्पवान बनो, धैर्यवान बनो, और धैर्य के बाद, धैर्य से ही उत्पन्न होता है संकल्प। लेकिन संकल्प, न कि जिद, न कि हट। हट और संकल्प में अंतर होता है, मैं पहले भी इस बात पे चर्चा कर चुका हूं। किसी भी कार्य के प्रति संकल्प लो, दृढ़ संकल्प। जब आप लेते हो तो आप जो भी कर रहे हो, यू आर ए स्टूडेंट और यू आर वर्किंग इन एनी फील्ड, डजेंट मैटर, बट यू विल अचीव सक्सेस। तो संकल्प के साथ, लेकिन जिद नहीं। जिद तो आपको, अगर आप जिद करोगे तो एक चीज पैदा होगी जिद के साथ, अहंकार, ईगो पैदा हो जाएगा। और यदि ईगो पैदा हो गया तो
तो बस फिर अंत हो जाएगा। अंत का मीनिंग, आप उस चीज को प्राप्त तो कर सकते हो लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी, खुशहाली नहीं मिलेगी, जिसको मेंटल पीस कहते हैं, वो चीज आपसे परे हो जाएगी। और जिद करके कोई चीज प्राप्त भी कर ली तो क्या होगा? जब खुशी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? कोई मान, कोई मर्यादा, कोई प्रतिष्ठा, कोई पोस्ट जिद करके प्राप्त कर भी ली और उसमें रस नहीं मिलेगा तुम्हें, तो जिद नहीं, सम्यक संकल्प, जो भी कार्य कर रहे हो उसको अच्छे से करो, ध्यानपूर्वक करो, तो वो आपका संकल्प होगा। तीसरी इसमें आता है सम्यक वाणी, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादा करके देखा गया है मोस्टली जो उपद्रव होते हैं वो तुम्हारी वाणी की वजह से ही होते हैं, कि तुमने कुछ कह दिया और बस लड़ाई शुरू, और तुमने कुछ कह दिया तो प्रेम शुरू, सब चीज वाणी से ही होता है। हमने किसी को बोला आई लव यू, हम आपसे प्रेम करते हैं, तो वाणी, अब आपने बोल तो दिया लेकिन रियली क्या तुम किसी से प्रेम करते हो, या फिर ऐसे ही आप उस व्यक्ति या वस्तु से आकर्षित होकर आपने आवेश में आके उनको प्रेम के लिए बोल दिया, और जब आपने बोल ही दिया तो शुरुआत तो हो गई, बीज बू गई, तो तैयार हो जाइएगा, उपद्रव शुरू हो जाएगा। और मैं यही देखता हूं, बहुत से प्रेमी से मिला हो, दे आर इन लव बट दे आर नॉट हैप्पी, ऐसे बहुत से शादीशुदा लोग भी, बड़ी परेशानी होती है उनको, अब एक मात्र बोलने से कितना उपद्रव पैदा हुआ, और यदि तुम ना ही बोलते किसी को तो कुछ भी नहीं होना था। तो बोलना जो उचित हो, जो हितकारी हो वो बोलो, जो सही हो, जिसके बारे में आपको ज्ञान हो। और कुछ लोग सुबह से शाम तक इतना बोलते हैं, इतना अपनी एनर्जी लगाते, पता नहीं वो क्या बोलते हैं, व्यर्थ की बातें, तो व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी चाहिए। व्यर्थ मीन्स जो बातें आपके लिए उपयोगी नहीं हो वे नहीं बोलनी चाहिए, और पहले सोचो फिर बोलो, बिना सोचे समझे बोली हुई बात भी फिर आपको पछताना पड़ता है। और बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे, वे अपने शब्द वापस लेते, पता नहीं कैसे ले लेते, लेने पड़ते हैं, क्योंकि बोल आवेश में ऐसा देते हैं। तो इसलिए वाणी शुद्ध बोलो, जो उपयोगी है वो बोलो, आवश्यकता ज्यादा बोलने की नहीं है। मौन रहो, जितना मौन रहोगे इतनी आपको शांति मिलेगी और इतने ही आपकी बोलने में रस आएगा, और इतने आप शुद्ध बोलोगे वो हितकारी होगा समाज के लिए, आपके लिए कल्याणकारी होगा। और आपका जो बोलना है, जब आप इस प्रकार से शांति से बोलोगे तो उसमें समंजन होगा, उसमें रस आएगा, समरसता, समंजन पैदा होगा उसमें। तो इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। चौथे पे आता है सम्यक कर्मांत, मतलब जो करने योग्य कार्य है वो करो। अब हम करते तो रहते हैं, सभी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं यू नो वेल, हम इतना कार्य करते हैं सुबह से शाम तक, हमें नहीं पता, बॉडी थक जाता है फिर रुक जाते हैं। लेकिन ये देखो जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है,
और क्या उसको करने से तुम अचीव सक्सेस जल्दी प्राप्त कर लोगे। तो ये चीज देखना बहुत आवश्यक है। और जो भी आप कर रहे हो, क्या वो पूरी फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ कर रहे हो? और यदि आपका ध्यान, आपकी एनर्जी खंड खंड में खंडित हो रही है, यानी आप एक साथ बहुत सारे कार्य कर रहे हो, तो फिर आपकी जो धारा है वो समुद्र तक यानी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं 4 साल से पढ़ रहा हूं, जॉब नहीं मिली, किस्मत कनेक्शन, प्रभु को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन मैं बताऊं उनके फेलियर का रीजन, कि उन्होंने की जो धारा थी, उनकी जो एनर्जी थी, उनका जो फोकस था, वो कई जगह डिवाइडेड हो चुका था, उसमें बहुत सारे डाइवर्जन पैदा थे, वो खंड खंड हो चुकी थी वो एक धारा। जैसे एक धारा आ रही है ऊपर से, और यदि उसको अलग अलग जगह से बहुत सारी धारा उसमें से निकाल दी जाए और नीचे कोई पौंड है, तो पौंड तक नहीं पहुंच पाएगी धारा पानी की, वो खंडित हो जाएगी और वहीं उसकी एनर्जी समाप्त हो जाएगी, लाइक दिस। लेकिन यदि एक धारा है सिंगल, तो उसकी संभावना है, डेफिनेटली वो अपनी मंजिल तक जाएगी। तो फोकस जरूरी है, फोकस। आगे जो सम्यक कर्मांत है वो हमने बताया, आगे है सम्यक आजीविका, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रोफेशन चुनने के लिए पहले सोचो कि जो मुझे करना है क्या वो मेरे लिए अच्छा होगा। और यदि बिना सोचे समझे आपने ऐसी जीविका प्राप्त कर ली जो आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो फिर आप जीवन यापन के लिए करोगे उस कार्य को, लेकिन कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी। तो अच्छा कार्य करना चाहिए। फिर है नंबर 6 पे सम्यक आसन, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन तुम्हें व्यायाम जरूर करना चाहिए। इसमें 2 चीजें मैं यहां पे डालूंगा, व्यायाम एक्सरसाइज तो होनी चाहिए, लेकिन सम्यक आसन से थोड़ा तात्पर्य है बुद्ध का, कि आपको ज्यादा आलसी नहीं होना चाहिए। आसन से ये नहीं कि योग आसन करने लगो, वो भी अच्छा है, लेकिन सम्यक आसन से ना तो आपको आलसी रह होना चाहिए और ना ही ज्यादा कर्मठ। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, कर्मठ लोग अच्छे होते हैं, लेकिन अति ज्यादा कर्मठ हो गया वो भी गलत है, और आलसी तो गलत है ही, कि पड़े रहते हो बस स्वप्न देखते रहते हो, तो आलसी नहीं होना चाहिए। और ज्यादा कर्मठ भी गलत है, कि करते तो हो लेकिन पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है उस करने में, सहजता नहीं है, तो तब भी फेल हो जाओगे। और इतने कर्मठशील हो जाओगे कि हो सकता है मंजिल सामने हो और तुम उसके सामने से गुजर जाओ, तुम्हें पता ही ना चले। तो सम्यक जो उचित है वो, इतना कर्मठशील होना चाहिए व्यक्ति को, तो ना तो लेजी होना है और ना ज्यादा ही कर्मठशील होना है, एक मध्यम मार्ग, धैर्य के साथ निरंतर आप करोगे कार्य को, तो डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस। नंबर 7 पे आता है सम्यक स्मृति, बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक जो उचित है उन चीजों को याद रखना चाहिए, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, सच में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारी जो स्मृति है, यादगार जो हमारी यादाश्त है, वो सम्यक उचित होना चाहिए, लेकिन हम ना अनुचित चीजों को बहुत ज्यादा याद करते हैं। तुम्हारी जो स्मृति है वो कंकड़ पत्थर, इतना कूड़ा करकट, इतनी फालतू की बातें उसमें इकट्ठा जमा हो चुकी है कि अच्छी चीजें धूमिल हो गई। आपने नकारात्मक चीजों की इतनी बड़ी बड़ी परत अपने ऊपर लगा ली
कि जो अच्छी चीजें है ना तो वो अंदर जाती और जो अंदर पड़ी है वो बाहर भी नहीं दिखाई पड़ती। क्या याद करते हो आप जब आप फ्री होते हो, अपने अतीत को उठाते हो, जो आपके साथ बुरा हुआ, जो आपने बुरा देखा और जो बुरा इस समाज में हुआ, किसी व्यक्ति वस्तु के साथ, अदर्स का भी अपना भी, वो कूड़ा सर पे रखते हो हमेशा। बहुत से लोग दुख से बाहर नहीं निकलते। अरे दुख हो गया भाई, समझ सकता हूं, दुख है, होना चाहिए, इमोशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर आंसू नहीं आने चाहिए, ह्यूमन हो तो होगा, दुख भी होगा, लेकिन हो गया, पता चल गया ना, तो सारी जिंदगी आप उसको याद रखोगे, अब सारी जिंदगी रोते रहोगे। और अक्सर यही करते हैं लोग, किसी को 10 साल पहले कुछ नुकसान हुआ था, कोई शारीरिक या फिर किसी बिजनेस में, व्यवसाय में, या फिर कोई व्यक्ति अकारण मृत्यु हो गई उनकी, उनके परिवार में, तो उसको 10 साल से उठा के फिरेंगे? 10 तो छोड़ो, सारी जिंदगी रोते रहेंगे। स्मृति कैसी बना ली? जो घाटा हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हुआ हमारा, उसको गाते रहेंगे सारी जिंदगी? और यदि ऐसा गाने से तुम्हें शांति मिलती है तो गाओ, और तुम्हारा अगला आने वाला जन्म भी ठीक हो जाएगा तो गाओ। लेकिन हम ह्यूमन को एक आदत हो जाती है सहानुभूति लेने की। वी नीड सहानुभूति, सिंपैथी, क्योंकि जितना दूसरों के सामने रोओगे, वो उधर से बोलेगा अरे अरे बहुत बुरा हुआ, सहानुभूति मिली, यानी आपका जो दुख था उसको पानी मिला, उसने सींच दिया, फिर हरा हो गया घाव। और इतने में काम नहीं चलता है। असली उपद्रव तो तब शुरू होता है जब वो भी अपना दुख तुम्हारे सामने रोता है। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को मिला हूं, देखा हूं, जिन्हें अगर कोई दुख भी ना हो, तुम उनके सामने दुख की बात करो तो वे झूठा मोटा दुख निर्मित कर लेंगे। उनकी ईगो को हर्ट हो जाता है, अरे इसका दुख ऐसा, अब मुझे इससे बड़ा दुख निर्मित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और फिर वो बताता है, अपना नहीं तो अपने किसी रिलेटिव्स को बताएगा, झूठी कहानी बना देगा। अब एक आदमी कहेगा भाई बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे बिजनेस में इतना घाटा हो गया, मेरे घर में फला आदमी मर गया, तो बोलेगा अरे ये भी कुछ है, हमारे एक दूर के रिश्तेदार है, उनका सारा परिवार बर्बाद हो गया, यानी आपसे बड़ा दुख निर्मित करेगा। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूं अपना दुख दूसरों के सामने मत रो, लोग आपके दुख को सींचेंगे और बढ़ा देंगे और एक नया अपना दुख निर्मित करेंगे, यानी आप तो दुखियों से भी दुखी कर रहे हो। दुखी होना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं, अगेन कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, जब नुकसान होता है तो दुख होता है बिल्कुल, लेकिन हो गया ना, आंख खोलो अब, तो सारी जिंदगी उसको यहां पे रखोगे। बुरा हुआ, किसी का पति चला जाता है, बेटा चला जाता है, परिवार का कोई भी सदस्य चला जाता है, बुरा हुआ, किसी बिजनेस में घाटा हो जाता है, बुरा हुआ, लेकिन क्या सारी जिंदगी रोते रहेंगे? नहीं, चीजों को समय के हिसाब से बदलना चाहिए, क्योंकि आगे और भी व्यक्ति वस्तु है जिनके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बाकी मर्जी आपकी। ये बुद्ध जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, कोई दिव्य आत्मा मुझे आके संदेश दे रहे हैं, मैं आपके पास कन्वे कर रहा हूं, मेरे प्रति क्रोध में मत आना, और यदि आओगे भी तो मेरा क्या बिगाड़ोगे, कुछ नहीं, मैं सत्य बता रहा, सत्य बात यहां लगती है, सहानुभूति नहीं है मेरे पास। तो सम्यक स्मृति, जो याद रखने वाली चीज है वो रखो याद, फालतू चीजों को याद मत रखो।
तभी तो रीजन है। स्टूडेंट की यदि बात करूं, स्टूडेंट कहता है कि मेरे याद नहीं होती, मेरी मेमोरी जो पावर है बड़ी वीक हो गई। वीक नहीं हुई, समझो, सच में वीक हुई नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। पता क्या हुआ, क्योंकि आपने इतनी मेमोरी अंदर इकट्ठा कर रखी है कि वो अब नई मेमोरी जो ले रहे हैं वो अंदर जाती नहीं, जाती तो है मगर भाग जाती है। क्योंकि अंदर इतना मेमोरी इकट्ठा हो रही है, जैसे कोई बाउल है वो ऊपर तक भरा हुआ है, उसके बाद आप उसमें कुछ डालोगे तो बाहर आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस होता है आपके साथ। तो अंदर से खाली करो भाई, बाउल खाली करो, जो अंदर यहाँ पे गंदगी भरक की है मेंटली, उसे निकालो, तभी नई चीज आएगी। नई चीज आएगी तो आपका विकास होगा, इवोल्यूशन। तो थोड़ा इस चीज को देखें। नंबर 7 सम्यक स्मृति पे अभी हम बात कर रहे थे, और नंबर 8 है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, तो सम्यक समाधि का मतलब है बिल्कुल ध्यान। जब आप बिल्कुल शून्य हो जाओगे, जब आपका मन एकाग्र होगा, जब मन में कोई थॉट्स नहीं होगा, समाधि की भी लगभग 3 अवस्था मानी जाती है। एक स्वप्न अवस्था होती है कि आदमी शांत तो हो जाता है लेकिन एक स्वप्न उसके अंदर चलते रहते हैं। एक समाधि की अवस्था होती है जागृति वाली, और तीसरी होती है सुसुक्ति वाली। तो मन की भी 3 अवस्था होती है, स्वप्न, जागृति और सुसुक्ति। स्वप्न और सुसुक्ति दोनों में आदमी शांत हो के जब मेडिटेशन करता है तो उसको कुछ चीजों का अनुभव होता है, झलक लगती है आनंद की, लेकिन नॉट परमानेंट। यानी कुछ मोमेंट के लिए वो चला गया, स्वप्न में गया, लाइक स्वप्न जैसा होता है कुछ घंटों के लिए, और परम ध्यान में चला गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका माध्यम क्या था, कैसे गया और फिर कैसे लौटा है वहां से। लेकिन यदि जागृति वाली अवस्था समाधि की करूं तो वो महत्वपूर्ण है। यानी समाधि में भी जागरण होना, होश में रहना, एक ऐसा नशा जो होश दिलाए, और नहीं तो स्वप्न और सुषुप्ति वाली अवस्था तो बेहोशी में भी की जा सकती है, और बहुत से लोग करते हैं। कोई भी मादक पदार्थ लेने के बाद यही तो होता है, चरस, गांजा, मारुआना, दारू, ये पीने से यही तो होता है, सुसुक्ति आ जाती है, वो स्वप्न में खो जाता है, समाधि में चला जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता जाता, और जब आंख खुलती है फिर वहीं पाता है अपने आप को उसी कीचड़ में, बल्कि और ज्यादा थका हुआ, हारा हुआ। समाधि घटित हुई वो भी, और कुछ लोग करते हैं ऐसे, नशा करते हैं ध्यान के लिए, वो भी एक ध्यान ही है, लेकिन वो देखो आपके शरीर के लिए कितना नुकसानदेह है। क्योंकि जब आँख खुलेगी, होश में आओगे, तो आप फिजिकली अपने आप को डैमेज पाओगे और मेंटली भी। लेकिन एक और अवस्था है, वो है जागृति। जब ये अवस्था घटित होएगी तो सच में रसों का रस आपको मिलेगा। अभी आप सोम रस पी के आनंदित होते हो, तब आपको रसोपरी ऐसा रस मिलेगा, ऐसी मादकता आपके अंदर आएगी, और होश भी रहेगा,
होश में मादकता, समझना। दारू पीने के बाद, नशा करने के बाद होश खो जाता है व्यक्ति, लेकिन उसमें होश भी होगा और वो मजा, वो आनंद भी होगा जो दारू के बाद होता है, जो नशीली चीजों के बाद जो आनंद आपको महसूस होता है। सपोज करो कि उस आनंद में होश भी हो। होश से तात्पर्य पूरा होश, आप फिजिकली और मेंटली पूरे एक्टिवेट, एक ही फोकस, और वो आनंद, उसको बोलते हैं समाधि। तो समाधि की अवस्था बड़ी उत्तम होती है और ये घटित हो सकती है। अभी हमने जो चर्चा की इन सब बातों पे, तो प्लीज यदि आप जीवन में कुछ स्पेशल करना चाहते हो तो वो व्यक्ति जो मैंने बोला दोबारा से इस वीडियो को सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं चीजों को, और फिर खुद पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं व्हाट यू आर एंड व्हाट यू डू। और अगर कहीं कोई चूक है, कमी है, तो परेशान नहीं होना, उसको चेंज करिएगा। किसी भी अवस्था में चेंज किया जा सकता है। क्या खोया मैटर नहीं करता, अब क्या पाना है वो मैटर करना है। तो उसके लिए आज, प्रेजेंट टुडे, आज को ठीक करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय शिव शंभू।